जयपुर में कोरोना वायरस लगातार पैर पसार रहा है, वहीं प्रशासन इससे बचाव को लेकर हर संभव कोशिश में जुटा हुआ है। बस्सी एसडीएम राम कुमार वर्मा ने बताया कि कोरोना की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा पानी की समस्या को लेकर भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। आमजन को किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग और पुलिस भी कोरोना को लेकर अलर्ट मोड पर है। हमने प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर भोजन के सूखी राशन सामग्री के पैकेट रखे हुए हैं और प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत का सचिव, वहाँ का राजस्व पटवारी और प्रत्येक बूथ लेवल का बीएलओ जो होता है, बीएलओ ब्लॉक लेवल बूथ लेवल ऑफिसर, इन तीनों की टीम बनाई हुई है। इन तीनों की टीम के द्वारा रोजाना सर्वे किया जाता है और रोजाना यह प्रमाण पत्र दिया जाता है कि आज हमारे क्षेत्र में कोई भी भूखा और जरूरतमंद व्यक्ति शेष नहीं है। जो व्यक्ति भूखा और जरूरतमंद होता है उसके घर पर हमारे कार्मिक, चाहे वो बीएलओ जाए या राजस्व पटवारी जाए अथवा ग्राम विकास अधिकारी जाए अथवा ग्राम पंचायत का एलडीसी जाए, लेकिन भोजन की सामग्री उनके घर पे पहुंचाए। पानी की समस्या गर्मी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, पानी की थोड़ी दिक्कतें आ रही है। अय्यन साहब मेरे साथ बैठे हैं और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने के लिए आज इकट्ठे हुए थे कि पानी और बिजली की समस्या से लोगों को ज्यादा रूबरू नहीं होना पड़े। इसके संबंध में लगभग 6 ट्यूबवेल नए मंजूर किए जा चुके हैं और पंप चालक तक से हम जोधपुर से भिलवाड़ा आए एक युवक और उसके परिजनों के होम आइसोलेशन की पालना नहीं करने पर तहसीलदार ने